जब वो कमर
water is a solid over 24% is, so the age at which a male or female can be able to reproduce और उसके बॉडी में हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो जिसके बॉडी में हॉर्मोन्स का सीक्रेशन शुरू हो जाएगा यानी वो क्या है, पुबर्टी में आ गया एंड ही एंड शी विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब पुबर्टी में जो क्या हो जाएगा, ये एग्स आ गया और एक उसमें क्या हो जाएगा, एक एक जो पूरा मैच्योर, ठीक है, तो इसमें एक है जो मैच्योर है हो गया उसी को ग्राफिकल फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है, ये ग्राफिकल फॉलिकल बोलते हैं। यहाँ पे GLRH जो है कि आपको जो है हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि LTH, ठीक है, या जो ग्राफिकल फॉलिकल जो है ये FTH कुछ है, ठीक है, ये क्या होता है, ये दो हॉर्मोन जो सीक्रेशन हो गया यहाँ पे या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी फीमेल के बॉडी के अंदर एक नहीं एक फॉर्मेशन नहीं आता यानी क्या हो जाएगा, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या हो गया LTH और जो है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन FSH, ठीक है, FSH अगर किसी फीमेल बॉडी में FSH रिलीज नहीं हो रहा इट मींस कि क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में आपका एक नहीं बनेगा, ठीक है, एक नहीं बनेगा या एक बन गया है और एक बनने के बाद उसके ऑलरेडी उसके बॉडी में एक है लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो मैच्योर नहीं हो रहा इट मींस क्या हो जाएगा, आपका FSH में गड़बड़ी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, फॉलिकल बोले तो ये आपको जो है एग्स को फॉलिकल भी बोलते हैं, तो जो आपका एक मैच्योर हो गया उसको बोलते हैं मुहाने पे आ गए, जैसे क्या हो गया ये ओवरी हो गया और ओवरी में क्या हो गया ये छोटे छोटे खूब सारे एग, अभी खूब सारे एग है लेकिन जब आपका जो मैच्योर एग हो जाएगा वो क्या है मुहाने पे आ गया, अब मुहाने पे आ गया तो यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिंगर, ठीक है, फिंगर के आपका पेयर हो गया तो फिंगर क्या करेगा उसको खींचने का, वो खींच के ले जाएगा कहाँ पे, आपका ओविडक्ट, यहाँ पे ओविडक्ट में यहाँ पे ले गया, अब ये क्या निकलता है यहाँ जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी जब एक क्या हो जाएगा यहाँ से पहुंच जाएगा वहां से ओवरी से आपका जो है ओविडक्ट में पहुंच जाएगा तो ये ओव्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला था स्टेप देखो, अभी एक यहाँ पे ओवम केवल पहुंचा, ठीक है, इसलिए एक और ओवम में अंतर है, एक का मतलब क्या हो गया कि एक का मतलब क्या हो गया अनमैच्योर और ओवम हो गया तो ओवम का मतलब है मैच्योर, तो जब ये पहुंच गया यहाँ पे तो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो बातें होंगी, ठीक है, पहला बात क्या हो गया दो बात मतलब पहला बात है कि यहाँ पे जब एक था तो इसका नरिशमेंट फॉर्म कर रहा था ओवरी, ठीक है, ओवरी का जो साइज देखिए है 2 सेंटीमीटर इसका साइज दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी आपकी थी, ठीक है, लेकिन ओवरी इसके जो एक है एक पहुंच गया आपका यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, यहाँ पे इसके पास कोई नॉरिशमेंट नहीं, तो ये आपको है 2 या 3 दिन में जितना उसका न्यूट्रिएंट मौजूद होगा उसके अनुसार 2-3 दिन आपका जो है वो जिंदा रहे, ठीक है, ये लाइव रहेगा, और लाइव रहने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो पहला कंडीशन है कि आपने 2 कंडीशन यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रस्ट हो जाएगा यही ब्रस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा उसको कुछ मिला नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होने के बाद इसकी बॉडी से इसके बाद यहाँ देखिए इसका कंडीशन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये जैसे यहाँ पे आया ओविडक्ट फेलो इसके पास आया यहाँ आया तो यहाँ पे ये ना वॉल ऑफ यूट्रिन ये है ये क्या ये पूरा जो है ये वॉल ऑफ यूट्रिन बोलते हैं वॉल ऑफ यूट्रिन, ठीक है, ये पूरा वॉल ऑफ यूट्रिन है, ये जो दीवार है तो दीवार ये 3 वॉल से बना हुआ, ठीक है, ये एक नंबर जो बाहरी क्षेत्र पेरिमेंट्रल बोलते हैं या तो मिडिल वाला 2 नंबर यानी बाहर से ले लीजिए ये 1 नंबर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है, यानी 3 लेयर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यूट्रिन वॉल 3 लेयर का बना होता है, पहले वाले के बोलते हैं पेरिमेंट्रियल, तो पेरिमेंट्रियल क्या करता है कि यूट्रस का ये जो यूट्रस है यूट्रस का शेप को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन शेप, ठीक है, दूसरा वाला मिडिल तो एम से मिडिल और एम से मार्केट, ठीक है, एम से मिडिल एम से मायोमेट्रिक, तो मायोमेट्रिक क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड क्या हो गया डिलीवरी 2 तरह का हो एक सीजेरियन हो गया एक नॉर्मल डिलीवरी, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें क्या हो गया कि जो दुजेनी है
क्या होता है, रोसेनी को जो डॉक्टर बोलता है कि जोर लगाने के लिए, जोर लगाने के लिए क्या बोलता है, यही तो मानव एंटीजन है, ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ते फैलने के क्रम में जो ये रोसेनी है धीरे 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 करके ये सर्विस ऑफ वेजाइना से आ जाएगा। अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्विस ऑफ वेजाइना से हुआ है तो उस बर्थ होता है क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी दो दस, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा किसी का जिसका वजाइना या जो बर्थ कैनल के थ्रू जो बच्चा का जो सर्जरी का बर्थ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो ऑपरेशन के थ्रू होगा, तो वो सीजर, ठीक है, सीजर। एक और चीज, डिलीवरी में होने वाला जो दर्द होगा उसको लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है, उसको लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है, लेबर पेन जहाँ डिलीवरी होता है तो वहाँ उसको लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर डिलीवरी करता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट। ये हो गया कि ये क्या हो गया, मायोपेटियल क्या हो गया, यही जो है एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यही एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट जिसका होगा तो उसका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगा। लेकिन अभी जो सबसे अभी के जो टाइम में है जो भी डॉक्टर है, ये डॉक्टर जब भी कोई एक लड़की है उसकी में जो प्रेगनेंसी टाइम के डॉक्टर से कंसल्ट करती है, डॉक्टर क्या करता है कि आयरन के गोली के नाम, ठीक है, आयरन की गोली देने के नाम पर ये क्या करता है, इसका जो है ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन के ऊपर ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीटोसिन जो ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो मायोमेटियम है ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके पास क्या हो जाएगा कि मायोमेटियम पहले का क्या नेचर था, ये एक्सपेंड हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब इसका एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बंद हो गया, क्यों, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जितना भी डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो ऑक्सीटोसिन से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से मायोमेट्रिक बंद होगा, मायोमेट्रिक बंद हो गया और फीमेल में नॉर्मल बर्थ होगा नहीं, नॉर्मल बर्थ नहीं होगा उसी पर अगर नॉर्मल बर्थ हो गया तो क्या हो जाएगा, फीमेल उसी दिन डिस्चार्ज होकर गर्भ हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा अगर सिजेरियन हुआ तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन थिएटर का खर्चा होगा, बेड रेस्ट होगा, बेड चार्ज, दवाई चार्ज, इसका एक हफ्ता का रेस्ट, एक हफ्ता का बिल किसका बनेगा, डॉक्टर का बनेगा, ठीक है। डॉक्टर आराम और अपना बिल बनाने के लिए स्टार्टिंग से जब अल्ट्रासाउंड के नाम पे बच्चों को बुलाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, कि बच्चों को देखना है कि बच्चा का नाम बढ़ गया, नाम के ऊपर क्या हो गया, ये हमारा जो अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड होता है कभी कभी क्या बच्चा का यूट्रस का जगह बड़ा है और बच्चा पलटते जाता है, तो पलटने के क्रम में क्या हो जाता है वो गर्दन में फंस जाता है, तो ये उसी के लिए हमेशा क्या है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में लोग क्या करते हैं, अब देख लेते हैं स्लैश डिटरमिनेशन, ठीक है, तो स्लैश डिटरमिनेशन में का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब स्लैश डिटरमिनेशन में कितने दिन बाद अगर किसी के बॉडी को बॉडी प्रेग्नेंट है तो अगर कोई बॉडी प्रेग्नेंट है आप कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी अल्ट्रासाउंड से बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड से बुलाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं लड़की जो है तीन महीने के बाद जो है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो 3 महीने के बाद तो जांच करवाते हैं, तो जांच करवाने से पता चलता है कि भाई उसके उसका जो प्रोजेनी है मेल है कि फीमेल, ठीक है। अब यहाँ मेल और फीमेल का क्या हो जाएगा, जो बॉडी का फॉर्मेशन होगा एक कॉपी लव, ठीक है, लव, लव का मतलब क्या हो गया कि जो जेनिटल एरिया में ये वाला एरिया में, ठीक है, इस टाइप का क्या हो जाएगा, अभी आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में पढ़ा होगा क्या होगा किसी भी एयर को करता है, ठीक है, अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर अभी आपको यूट्रस में दिखे, यूट्रस में दिखे, अगर वो 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, यही क्या हो जाए, यही तो फैटल डिजीज है, इसको अगर किसी फैटल और अच्छा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
देखो तीसरा ये बॉल बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया इंडोमेट्रियम। अब ध्यान दो यार, इंडोमेट्रियम ये जो अंदर वाला जो लाइटिंग है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम क्या है, इंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ आया, यहाँ पर वेट किया, वेट किया, इसको क्या बोलते हैं, नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अपने लुढ़कते हुए यहाँ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये वॉल ऑफ इंट्री जो है खूब सारी ब्लड कैपिलरी होती है, ये जो ब्लड कैपिलरी है ये तैयार करता है। इसको पता है कि भाई यहाँ पे प्रोजेनी का पनिशमेंट नहीं मिला, पनिशमेंट नहीं मिला, और दूसरा यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे इसको ये फॉर्म नहीं पूछा, ठीक है, तो नहीं पहुँच सकता, क्या फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मतलब ये है फट गया, फटने की क्रम में क्या होगा, ये फ्रैक्चर होगा, ठीक है, इसको भी पता चल जाता है कि भाई ये भी अब क्या है, पनिशमेंट का काम नहीं है। ये भी क्या है, ये डैमेज हो जाता है। ये भी क्या होता है, ये पूरा जो है फ्लूड है, ये क्या है कि ये पूरा का पूरा ये ऊपर से होते वहाँ पे या फिर सर्विस से जाने से ये बाहर आ जाता है। तो इस फ्लो को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ देखो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली बोलते हैं कि ब्लड, तो ब्लड नहीं आता, तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है यहाँ पे स्पॉन्ग्रेस शुरू हो गया। अब मैंने क्या बोला,
इसके पास ऑलरेडी एक्स एस है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्स पोजन वाई पोजन उसी का रिश्ता क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन हुआ, ठीक है। तो यहां जैसे कि स्पर्म से मिला तो ये मिल गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में कहां, ओविडम, ठीक है, योग। अब ये जैसे मिला तो फ्यूजन ऑफ क्या होता है, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं जायगोट। व्हाट इज जायगोट, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जायगोट। अब जायगोट तो बन गया, यहां पे क्या हो जाएगा, अब चूंकि ये क्या हो गया एक है, अब इसमें क्या हो गया, अब इसके पीछे कितना था, 200 स्पर्म थे, तो 200 में एक ही आया। अब ये कैसे हो गया, जैसे एक आया तो एक आया तो इसने क्या किया, ये जो ओवम था ओवम ने अपने ऊपर एक सील तैयार कर लिया, ठीक है, एक घेरा तैयार कर लिया, और वो सील था वो क्या था, बहुत टफ। अब उस टफ होने के वजह से क्या हो गया, एक स्पर्म जैसे घुसा और दूसरे के ऊपर उसने सील तैयार कर लिया, जो सील है उसको उधर जोना पहन, जोना कंसीडर किया है इज अ सील दैट अ प्लेयर व्हिच कवर्स द, ये क्या हो जाएगा, व्हिच कवर्स द क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जायगोट बनने से पहले क्या हो जाएगा, ये बन गया, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, अब डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी वन, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे चार, फाइव, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये पहले क्या था, इसका स्ट्रक्चर एक था, एम्प्लॉयड था, ये भी एम्प्लॉयड था, दोनों मिल गया तो क्या डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड हो गया तो ये सेल डिवीजन हो गया, तो सेल डिवीजन में क्या हो गया, यहाँ एक था यहाँ फिर यहाँ दो, तो पहला दिन क्या हो गया, पहला दिन उन्होंने दो सेल हो गया, फिर चार सेल, फिर आठ सेल, फिर 16 सेल, ये 32 सेल, तो सब सेल का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोलहवां जो चौथे दिन जो सोलहवां सेल बन रहा है, ठीक है, और एक पांचवा दिन जो हो गया ये आपका 32वां, तो यही जो ब्लास्टा बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट बोलते हैं, ठीक है, ये ब्लास्टोसाइट बोलते हैं। जो सोलवा बॉडी सवाल आता है बड़ी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है कि जो डे फोर में जो अटैचमेंट होता है यहाँ पे सेल का, जायगोट का, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 सेल, 16 सेल वाले बॉडी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं और 32 वाले को ब्लास्टुला बोलते हैं। तो ये करते करते 5-6 साल यानी ओवर मैंने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेनी बनने का जो कहानी है, ये जायगोट कहाँ पे है, जो अपना 7वां दिन क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, कहाँ पे, ये यूट्रस पे, एंडोमेट्रियम ये इसके ऊपर। अब ये जो हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज नॉट चेंज, इसका साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर का साइज चेंज नहीं होगा, सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, अब ये साइज क्या हो गया, ये ऐसा ही है सेम साइज, लेकिन इसमें दो है, ये चार हो गए, आठ हो गए, इसमें क्या हो जाएगा, सेम का सेम साइज पर ऐसा क्या हो जाएगा, ये कॉम्पैक्ट होते जाएगा ना, ये कॉम्पैक्ट होते जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और जो नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये मंदा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, और सातवां दिमाग है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद धीरे धीरे ये फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा आज रियल में क्या है, व्हाट इज प्लेसेंटा, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज अटैच विद द ह्यूमन, ये ह्यूमन फिली क्या बॉडी है, ये हमें जो पूरा जो दिखा रहे हैं यूट्रस, यूट्रस का जो यूट्रस क्या बोलते हैं, वो ये बॉडी यूट्रस, इट इज अ पियर लाइक स्ट्रक्चर इन द फीमेल बॉडी, ठीक है, ये नाशपाती का जो उल्टा इंपॉर्टेंट पीएल के आकार में है, और ये प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद ये एंडोमेट्रियम वॉल या यूट्रस, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो गया, अब धीरे धीरे यहाँ से फॉर्मेशन होता है बिगर बोर्ड का, अब बिगर बोर्ड से धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये वाला लेयर बन जाएगा, तो ये जो लेयर है जस्ट क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एमीबिक सैक, सैक मतलब कंटेनर। अब ये क्या हो जाएगा, बच्चा किस प्रोजेनी किस में रहेगा, एमेटिक सैक में। अब सैक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमेटिक फ्लूइड। इसलिए देखा हो बच्चा जब होता है तो चेहरा फूला फूला रहता है, अब 2-3 दिन के बाद वो धीरे नॉर्मल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चा जो हो जाएगा वो बच्चा हो गया, ठीक है। अब यही पे क्या हो जाएगा, ये जो एम्ब्रियो है अभी जायगोट का, तो जायगोट डेवलप हो जाएगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ज्यादा डेवलप हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेटस, फेटस डेवलप हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका ये सर्विस ले जाएगा, ये दुनिया बाहर आएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, एक वर्ड है जेस्टेशन पीरियड, जी ए एस टी ए टी आई एम, जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन बोलते हैं ना, तो जेस्टेशन पीरियड क्या बोलेंगे, कि प्रोजेनी इतना दिन पीरियड इन विच प्रोजेनी रिसाइड इन द वुमेन्स बॉडी या ओवम, यूट्रस में जितना दिन बच्चा रहता है उस पीरियड को बोलते हैं
बोलते हैं हमें कैसे होगा, ठीक है। और एक तो रह गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक एक टॉपिक क्या है, जस्टिसन के डाली को आ रही है, बोलते हैं पास्टुरेशन, पास्टुरेशन, PASTURATION, पास्टुरेशन। तो पास्टुरेशन किसको बोलते हैं, अपनी जो बच्चा है ये शरीर के बाहर जाए जितना दिन है अंदर, ये जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड 9 महीना होता है, 36 से 37 वीक होता है, ठीक है, 245 है, कितना डे, कितना दिन दे है, नौ महीना हो गया, 270 वीक होगा या 40 वीक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसी का एक पॉस्टुलेशन है, एक्ट ऑफ डिलीवरी बर्थ, यानी क्या हो जाएगा, अपने बच्चे के शरीर के बाहर आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पास्टुरेशन, ठीक है, पास्टुरेशन। गेस्टेशन पीरियड बोल दिया, पास्टुरेशन बता दिया, यहाँ जाने से पहले लेट हो जाएगा, इसमें टॉपिक बनाया तो कम से कम दो दे जाना है, 20 को टॉपिक सुनाया, 12 को टॉपिक सुनाया, इसलिए टॉपिक का कम से कम नाम लिखते जाना, ठीक है, पास्टुरेशन बता दिया। अब यहाँ पर बता दिए, और भी बता दिए, और भी बता दिए, टेस्टिस जो का पेयर होगा, टेस्टिस किससे बनता है, सेंटोरी से, लाइनिंग से और डर्म सेल से बनता है। ये टेस्टिस के अंदर जो हो गया वो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इंट्रिक्लस बोलते हैं, क्वाइल की लिमिटेड में ये क्या हो जाएगा, इट इज अ क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर हो क्या होगा, ये करीब 20 से 23 फीट का होगा, तो 20 से 23 फीट का मतलब 10 फीट और 20 यानी कि दरवाजे तक पहुंच रहा है, किसका बना होता है, ये स्मूथ मसल का बना होता है। एक और चीज, जो ये टेस्टिस है के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, तो जैसे हार्ट में मैं हमने पढ़ा था सेप्टम का, ठीक है, तो उसी तरह क्या हो गया, ये स्क्रोटल सेक्शन, ये जो स्क्रोटल सेक्शन क्या हो गया, ये दोनों को ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हुए जो है कि दूसरा बात हो गया, ये कॉर्पस ग्लैंड, ये कॉर्पस ग्लैंड को हम बल्बो यूरोनल ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये बॉडी में ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है, मेल बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करने का काम कॉर्पस ग्लैंड करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है, ये क्या है, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस का इसका जो लेंथ कितना है, 30 से जो है 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 30 से 45 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है, हमने जब सर्जिकल जो पढ़ा है, तो मेल सर्जरी भी फीमेल सर्जरी, अगर किसी पुरुष को, इसको बोलते हैं बंध्याकरण, ठीक है, नसबंदी, नसबंदी, तो एक पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, तो महिला नसबंदी में ये वाला कट गया, ट्यूब कटा था पिनोटोमी, अब पुरुष में क्या हो गया, ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस हो गया, क्या हो जाएगा, वैस्कोटोमी, ठीक है, वैस्कोटोमी क्या हो गया, ये पुरुष नसबंदी का तरीका हो गया। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे लिगेटेड कर दिया, गांठ बांध दिया, तो गांठ बांध दिया, यहाँ से जो स्पर्म फ्लो होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेस्टिस है इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होने के बाद डिक्रीज का क्या काम है, स्पर्म इसमें मैच्योर होगा। इसमें यहाँ पे लिख लो, छूट गया मेरा, कि डिक्रीज का जो है लेंथ कितना है, 20 से 23 फीट, तो स्पर्म गेट मैच्योर्ड इन डिक्रीज, ठीक है, ये इसी में मैच्योर्ड होगा, मैच्योर्ड होगा तो ये वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा, तो जाएगा तो इसमें क्या हो गया, स्पर्म मिल गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉर्पस ग्लैंड मिल गया, तो लुब्रिकेशन का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके थ्रू जा रहा है, वास डिफरेंस से, और यहाँ पे फिर बगल में फिर क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल क्या हो गया, ये जनरली इसमें फ्रुक्टोज और सिट्रिक एसिड जो होते हैं, तो रियल में जो स्पर्म है वो क्या होता है, वो मोटाइल नहीं होता, तो यहाँ पे व्हाट इज द रीजन, स्पर्म आर मोटाइल, तो स्पर्म आर मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ये सेंट्रल वेसल, सेंट्रल वेसल मिलेगा तो स्पर्म मोटाइल होगा, सेंट्रल वेसल में फ्रुक्टोज और सिट्रिक एसिड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक ग्लैंड है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है ये अखरोट, ये इसका जो आकार होता है वॉलनट शेप का होता है, और ये क्या है, ये यूरिनरी ग्लैंड है, और जो रेक्टम के बीच में होता है, तो ये क्या करता है, हेल्प इन द फ्लो ऑफ सीमेन। एक वर्ड है सीमेन, तो सीमेन क्या होता है, बॉडी में जब भी हम बोलते हैं कि आधा उल्टा पढ़ते हैं, अभी हमने जो भी बताया यहाँ पे उल्टा बता दिया, क्या उल्टा बता दिया, इसमें क्या बताया, उल्टा मैंने क्या बताया, इसमें स्पर्म आया इसको फर्टाइल किया, स्पर्म नहीं
यहाँ से आएगा तो ये स्पर्म होगा, लेकिन ये स्पर्म ये दोनों के साथ मिल गया, यानी स्पर्म प्लस ये क्या आ जाएगा, ये सेमिनल वेसल, ये दोनों मिला, इसी मिलने को बोलते हैं सीमेन। यानी बॉडी में हमको जब देखो अभी पड़ा तो ये स्पर्म नाम के यहाँ पे क्या होना चाहिए हमको, सीमेन। सीमेन यानी ओवम को फर्टाइल कौन करेगा, सीमेन। इसलिए क्वेश्चन कभी आता है स्पर्म तो ये गलत हो जाए, इसमें बायोलॉजिकल टर्म में ये ध्यान रखेगा। तो ये हो गया सीमेन, तो ये हो गया सीमेन, ये सीमेन। और सीमेन को फ्लो में कौन मदद करेगा, यहाँ पे प्रोसेस में। इसीलिए क्या हो गया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बात डिफरेंस से होते हैं, ये तीनों मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीमेन बन के कहाँ जाएगा, ये। तो ये तो इजेक्टुलरी एजुकेशन जो है, इजेक्टुलेशन जो है ब्लड के थ्रू, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो भी सीमेन है ये प्रवाह हो जाएगा यहाँ से, यहाँ तक आया क्या हो जाएगा, ये मास डिफरेंस हो गया। और लेकिन यहाँ से जो फ्लो होगा इसको बोलते क्या है, यूरेथ्रा। यहाँ पे यूरेथ्रा आ गया तो किडनी का जो फोटो देखा होगा तो किडनी के ऊपर क्या हो जाएगा, किडनी के बाद वहाँ से क्या हो जाएगा, यूरेटर आ गया, यूरेटर के बाद क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे क्या था, यूरेथ्रा। तो ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया यहाँ पे और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे, यानी यूरिन का फ्लो। तो यानी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ से सीमेन का फ्लो इसी से और यहाँ से यूरिन का फ्लो भी इसी से, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। इजेकुलेशन जो डक्ट है, इजेकुलेशन डक्ट क्या है, कॉमन है। तो ये क्या था, इट कंटेन यूरिन एज वेल एज सीमेन, सीमेन, ठीक है, ये आ जाता है। और उसी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका जो डिपोजिशन ऑफ जो मसल है, तो इस मसल को बोलेंगे इसको पेनिस बोलेंगे, वल्वा बोलेंगे, या रेक्टम बोलेंगे, ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो यूरिन जो आ रहा है आपके और यहाँ पे जो इजेकुलेशन डक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे जो यूरिनरी ब्लड में करीबन 500 से लेकर 700 जो है मिलीलीटर तक यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे 150 ग्राम, 150 to 250 मिलीग्राम जब स्टोर हो जाता है, क्या यूरिन स्टोर हो जाता है, देन वी फील यूरिनेशन। जब भी हमको क्या है कि टॉयलेट फील होता है, तो टॉयलेट फील होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा फूल हो गया, तब यानी 150 to 250 फीट जैसे अमाउंट ऑफ द यूरिन विल डिपॉजिट इन द यूरिनरी ब्लैडर, देन वी फील यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन हो गया। उसके बाद दो चीज़ें, अब इसके बाद यहाँ पे एक सवाल ये तो हो गया आपका, एक और चीज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जनरली आता है कि लोग ना पेनिस को बोलते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये एजुकुलेशन जो है डक्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, यहाँ पे टेस्टिस, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये ठीक है। यूरिनेशन, यूरिनेशन भी यूरिन में पढ़ाए थे, यूरिन का कलर कैसा होता है, येल्लो, किसकी वजह से, यूरोक्रोम, चलो कौन रिलीज करता है, लीवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव बता दिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड किसी का सवाल है तो आपके पास 9 मिनट का टाइम है, जिसका सवाल है पूछिए।